हेलो, वेलकम टू माइंड ग्लोइंग डिशेस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कस्टर्ड के मीठे की रेसिपी मेरे स्टाइल में। तो आप देख सकते हैं बहुत क्रीमी और बहुत मज़ेदार बनता है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 3 लीटर दूध। इसे भगोने में हम निकाल लेंगे और इसे कंटिन्यूसली अच्छे से गर्म होने देंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और दूध में बिल्कुल भी पानी मत ऐड कीजिए आप लोग, वरना वो ख़राब मज़ा देगा उसका। यहाँ पर आप भगोने में देख सकते हैं दूध का जो निशान है वहाँ तक था पहले, पक पक के उतना कम हो चुका है और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/2 kg शुगर और उसे अच्छे से मेल्ट हुए तक उसे मिक्स करते रहेंगे दूध में अच्छे से। यहाँ पर शक्कर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम ऐड करेंगे 150 ग्राम कस्टर्ड पाउडर। इसे पहले पानी के साथ अच्छा सा इसका घोल बना लेंगे, फिर दूध में इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता एक हाथ से डालेंगे, दूसरे हाथ से इसे मिक्स करते जाएंगे। इसे 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे पकाते जाएंगे। जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए, कस्टर्ड की कच्ची बो जाए, जब तक इसे कंटिन्यूसली हम इसी तरह पकाते जाएंगे। ये अच्छे से पक चुका है। यहाँ पर हम इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये ठंडा भी हो चुका है। मुझे इस तरह से गाढ़ा कस्टर्ड ही पसंद आता है। अगर हम पहले से पतला रख देंगे इसे तो जब फ्रूट्स ऐड कर देंगे तो वो और ज़्यादा पतला हो जाएगा, इसलिए मैं पहले से थिक बनाती हूँ, फिर बाद में फ्रूट्स जब ऐड कर देंगे अपन तो वो नॉर्मल बन जाएगा। तो यहाँ मैंने ऐड किया है मौसम्बी, सेब, अनार, आपके फेवरेट फ्रूट्स डाल सकते हैं, और मौस डाल देंगे अभी। और यह है पाइनएप्पल, टिन फ्रूट में के है ये, तो इसे भी मैंने पीसेस में कट कर लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 किस्म के अंगूर। एक तो मैंने काले अंगूर लिए हैं, एक दूसरे हैं हरे अंगूर। ये दोनों में के मैंने सीड्स निकाल लिए थे और इसे अच्छे से पीसेस में कट कर लिया था। यहाँ पे हम ऐड करेंगे काजू और बादाम। मुझे फ्रूट्स के साथ ड्राई फ्रूट्स भी बहुत पसंद आते हैं कस्टर्ड में, इसलिए मैं हमेशा ही ये ऐड करती हूँ। अगर आप लोग को अगर ना पसंद आए तो आप स्किप भी कर सकते हैं। कस्टर्ड में मैंने मिक्स्ड टिन फ्रूट भी ऐड किया है, मैं इसमें बता नहीं सकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बनकर रेडी हो चुका है हमारा मीठा। अब ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे हम ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो आपने देखा कितना आसानी से ये मीठा बन गया था। तो जब भी आपके पास कोई मेहमान आए या दावत हो या ईद हो तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा बना था ये मीठा। खाकर मेरे बच्चों के फ्रेंड्स ने कहा इतना क्रीमी तो हमारे घर में नहीं बनता, हमारे घर में कस्टर्ड अलग हो जाता है और फ्रूट्स अलग हो जाते हैं। तो मैंने इसमें टिप्स भी दिए हैं कि किस तरह बनाना चाहिए। अगर आप ये फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगा। ये सभी का फेवरेट मीठा होता है, ख़ासतौर से मेरे भाइयों को तो ये बहुत पसंद है। जब भी वो मीठा खाने के लिए उनसे कहेंगे तो वो लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन कहेंगे कि कस्टर्ड का मीठा है तो वो तो पहले तैयार हो जाएंगे खाने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।